पाकिस्तानी मॉमी नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद। आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक नया दिन और एक नए ब्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं और यहाँ मैं बना रही हूँ जी चाय। आगाज होने लगा जी नाश्ते के साथ और बहुत ही मज़ेदार और कड़क सी चाय, जिसमें मैंने ऐड किया जी इलायची और बाकी जो आपको पता ही है दूध और पानी और चाय की पत्ती। और यहाँ पे साथ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी जी पराठे, और जो कि आपको जैसे कि पता है कि मेरे हस्बैंड के हैं जी बहुत ही फेवरेट। उनको नाश्ता मिल जाए जी पराठा और ऑमलेट या अंडा या कोई सा भी सालन तो वो खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे जी आटा गूंदा था मैंने एक दिन पहले और यहाँ पे बना लेते हैं जी पेड़ा। और यहाँ पे मैं जी बताऊंगी आपको दो तरीके से पराठे बनाने का तरीका। जैसे कि आप लोगों को पता है, सभी बंदे हर इंसान को पता होता है पराठे किस तरीके से बनाए जाते हैं, और हर बंदे का अपना तरीका अपना स्टाइल होता है। और मैं समझती हूँ कि हर तरीके से ही मज़ेदार बनते हैं, क्योंकि हर बंदे के अपनी एक हाथों की शीरी होती है। और सभी को मुझे पता है बहुत ही अच्छे तरीके से पराठे बनाने आते हैं, और मेरा बस दिल कर रहा था कि कोई थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल जो है ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि अमूमन जो है मैं वैसे इस तरीके से पराठे नहीं बनाती हूँ। जैसे कि जो मुझे फॉलो कर रहे हैं काफ़ी सालों से, यानी कि 2 सालों से, तो उनको पता होगा कि मेरा और तरीका पराठा बनाने का, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पराठा पराठा ही होता है, उसको जिस भी तरीके से बना लिया जाए। खैर, यहाँ पर हम लोगों ने एक पेड़ा लिया है और उसको बेल लिया है अच्छी तरह से जी। गोल गोल रोल रोल कर ले अपने पेड़े को, और साथ में जी ऊपर मैं ऐड करूँगी जी ये रूम टेम्परेचर बटर है, वो लगा देंगे इसके ऊपर अच्छी तरह से। और जाहिर सी बात है, जबकि जब पराठा हो तो वो फिर इतना हेल्दी नहीं होता, यानी कि अगर पराठा खाना है तो उसमें सही तरीके से जी देसी घी हो या कोई बटर हो, तो तभी उसका एक अपना मज़ा आता है। और जैसे कि मैंने देखे कभी जो कोई लोग जो ऑयल में बनाते हैं तो उस चीज़ का मुझे मज़ा नहीं आता। मैं समझती हूँ कि घी और बटर में ही पराठा बनाओ अच्छा लगता है। और यहाँ पर बना लेंगे जी हमें कट लगा के एक बहुत ही खूबसूरत सा फूल। अच्छी तरह से रोल कर लें जी इसको, और फिर देखें जी वाह जी वाह, ये गुलाब का फूल हो गया जी आप सबके नाम। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा पराठा जो है वो होने लगा है तैयार। और अब जी दूसरे पेड़े को कर लेंगे और उसको करेंगे एक और तरीके से। कैसे करें जी, कौन सा तरीके जी? बिल्कुल, इसको हम करेंगे जी इस लाइनों की शेप में करके हम इसका अच्छा सा पराठा बनाएंगे। और बताएं जी आप में से कौन कौन पसंद करता है पराठे का नाश्ता सुबह सुबह। और आपको बताती चलूं कि वाकई सर्दियों में पराठा खाने का तो एक अपना ही मज़ा होता है, लेकिन मेरा पराठा खाने को तब दिल करता है जब मेरा दिल करता है, यानी कि मैं अमूमन पराठा इतना नहीं खाती हूँ। लेकिन अगर तो मैंने कोई स्पेशल बनाना हो, यानी कि जैसे आलू की भुजिया बनी हुई है उसका पराठा बनाना हो, कोई दाल वगैरह हो, तब मेरा दिल कर रहा होता है कि पराठा बनाया जाए। और मूली का पराठा मुझे बहुत पसंद है, कीमे का, कीमा चीज़ हो गया, गोभी आलू हो गया, दाल वगैरह हो गई, जो कुछ फीलिंग आप कर सकते हैं, मतलब उस तरीके का पराठा। और मेथी का पराठा मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी कल ही बल्कि मेरी बात हो रही थी अपनी कज़न के साथ, वो रहती हैं जी इंग्लैंड में, और उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो बता रही थी कि जी तुम्हारी मेथी के पराठे की मतलब जो है रेसिपी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने अमूमन देखा है कि लोग जो है मेथी के कुछ पत्ते, चंद पत्ते ऐड करते हैं, जबकि मैं पूरी मेथी को धोकर साफ़ करके मैं उसको पूरा ब्लेंड कर लेती हूँ। और यकीन करिए कि सारी से बातें, सारे विटामिंस, सारे न्यूट्रिशंस वगैरह आपको उससे मिलते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए। और आप उसी के साथ आटे को गूंदें, और मैं समझती हूँ, मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ जो हैं नेट पे सर्च की थी, लेकिन मेरी रेसिपी मेरे स्टाइल से जो है वो कोई भी नहीं बनाता, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे। देखिएगा यहाँ पर भी मैं पहले काफ़ी दफ़ा मेथी के पराठे जो है बना चुकी हूँ। ये देखिए जी हो चुका जी बातों बातों में हमारा दूसरा भी पराठा तैयार। और ये देखिए जी बहुत ही प्यारे से पेड़े लग रहे हैं माशाल्लाह, थोड़ी देर के लिए पड़े रहेंगे तो और अच्छे हो जाते हैं। फिर साथ ही मैंने तवा रख दिया था गर्म होने के लिए। फिर अब इसको हम रोल रोल करेंगे और बेलेंगे अच्छी तरह से। और मुझे थोड़ा सा जो है बारीक पराठा अच्छा लगता है, क्योंकि फिर वो हो जाता है बहुत ही क्रिस्पी सा और बहुत ही मज़ेदार, जबकि हस्बैंड जो पसंद करते हैं थोड़ा सा मोटा पराठा। तो यहाँ पर जी फरमाइश दोनों की पूरी की जाएगी, और बहुत ज़बरदस्त पराठे बने माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी देख कर मुझे लग गई भूख। थोड़ा सा तवे पर आप बटर और लगाएँगे, उसके बाद जी फिर डालेंगे अपने पराठे को तवे पे और मीडियम हाई आंच पे इसको सेकेंगे। ये देखिए जी वाह जी वाह, गोल पराठा, ऊपर भी मैंने थोड़ा सा बटर लगाया था, और अब इसको करेंगे फ्लिप। ये देखिए जी वाह जी वाह माशाल्लाह,
बहुत ही प्यारा सा पराठा बन रहा है और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनाइए। और ये देखिए जी, वाह जी वाह, कमाल। और मुझे तो खैर बहुत मज़े का लगता है, यानी कि ब्रेकफास्ट जो है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मील होता है दिन का आगाज़ का। तो अपना नाश्ता जो है वो शाही रखा करें, और शाही ही नाश्ता होना चाहिए। और जी, हस्बैंड को नाश्ता मिल गया, उसके बाद जी मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ मैं जी दो होल व्हीट के स्लाइस लिए मैंने, और उस पर मैं, जैसे कि आप लोग देखे तो मैंने बटर ऐड नहीं किया, लेकिन मैंने चीज़ लिया है। और एवोकाडो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे बहुत पसंद है, और मैं आपको बताती चलूँ कि ये खाने वाले थे, मतलब कि उसी वक्त खाने वाले थे, उसी वक्त खुद तो खैर नहीं, यानी कि खाने के काबिल थे, क्योंकि इनके भी एक तरीका होता है देखने का। एक तो इनका कलर जो है थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, और उसके बाद इनकी अगर ये जो ऊपर से टंडी सी है, आराम से उतर जाए। मैंने ये धोया था एवोकाडो बाहर से भी, और अब इसको खुश कर लेते हैं, और इसको दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। और यकीन करें कि इनको एवोकाडो को लाए हुए मुझे अभी 2-3 दिन हो गए थे, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से खाने के काबिल नहीं हुआ था, यानी कि इनकी इतनी अच्छी क्वालिटी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की शान है। देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत एवोकाडो जो है मैंने काटा, दो हिस्सों में किया है, जिसको एक चम्मच से हम निकाल लेंगे बाहर। और बताते चलूँ कि आज भी मैंने एवोकाडो का टोस्ट बनाया था, और एवोकाडो अब हो चुका था बिल्कुल उस तरीके से तैयार, जो खाने के लिए बहुत ही मज़े का होता है। तो उसमें भी मैंने, जो उसकी भी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, उसमें भी मैंने लिया था एग, लिया मायोनीज ली है, काली मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, लाल मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर जो घर का पिसा हुआ। और यकीन करें, इतना मज़े का वो टोस्ट बना, और मैं बहुत ही मज़ेदार से एक ब्रेड लेके आई थी, ये फ्रेश बेक हुई ब्रेड। और यकीन करें कि सुबहान अल्लाह, बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला की शान है कि इतनी सारी नेमतों से नवाज रखा है, इस काबिल तो हम हैं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बातों बातों में जी मेरा टोस्ट भी हो रहा है रेडी। और जिनको नहीं पता एवोकाडो का टेस्ट क्या होता है, तो ये बादामी सा टेस्ट होता है, और इसकी बहुत ही मज़ेदार सी जो है चटनी भी बनती है। और ये साथ में मैंने ऊपर लगाया जी चकंदर का सैलड सा है, ये बना बनाया मिलता है, बहुत ही क्रीमी सा होता है, बहुत ही हेल्थी होता है, और बहुत ही मज़ेदार सा हो चुका है जी मेरा ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे जी मैंने ऐड किया काली मिर्चें, और नमक ऐड किया था, और ये देखिए जी ऊपर लगा दिया जी कोरिएंडर, धनिया। और जी साथ ही मैं तैयारी करने लगी हूँ खाने की। डिनर में मैं बना रही हूँ जी चने की दाल और गोश्त, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट नाश्ता है। और साथ ही मैं काट लेती हूँ, कटिंग पहले कर लेती हूँ, वही मैं आपको जैसे बता रही हूँ, छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं कि आप अपने पहले प्लानिंग कर लें कि आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, फिर आपको उतना भागम दौड़ नहीं होती है, और आपका हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो जाता है। हर चीज़ को जो है काट लें। और यहाँ पे प्याज, 2 अदद प्याज ले रही हूँ, क्योंकि मैं 2 गिलास दाल बना रही हूँ, तो फिर मैं 1 प्याज लेती हूँ 1 गिलास के लिए। कटिंग कर लें जी अपनी सारी, सारा कुछ अपना निकाल के सामने रख लें, फिर आपको आसानी हो जाती है और जल्दी हो जाता है आपका सारा। और यहाँ पे मैंने रफली काटे हैं प्याज, क्योंकि मैं पहले रखूँगी प्याज और गोश्त पानी डालकर उसको जो है गोश्त को गलने के लिए रख दूँगी। तो जब गोश्त जो है आधा गल जाएगा, तो फिर उसमें ऐड करूँगी ऑयल, सारे मसाले, और उसको अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर उसमें हम लोग डाल देंगे दाल, और दाल को साथ थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे, और फिर ऐड कर देंगे पानी, और उसको पकने के लिए रख देंगे कि तब तक ये गोश्त और दाल पूरी तरह से गल नहीं जाती। और यकीन करिए, मेरे बहुत ही फेवरेट जो है दाल और चावल हैं, और साथ गोश्त, यानी कि गोश्त चने की दाल मेरी बहुत ही फेवरेट है। और आप लोग भी कॉमेंट करके बताइएगा कि जिस चीज़ की फेवरेट है ये चने की दाल गोश्त। और ये चीज़ देखिए, मैंने ऐड किया बीच में ऑयल, 2 बड़े चम्मच ऑयल के डाले हैं मैंने, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि चने की दाल जो है वो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लेती है। और ऐड कीजिए अदरक और लहसुन की पेस्ट, और ये भी बना के बंदा रख लेता है तो बहुत ईजी होता है। और आपको बताती चलूँ कि अदरक और लहसुन की पेस्ट में अगर आप थोड़ा सा ऑयल डाल के रख दे, तो आपकी अदरक और लहसुन की पेस्ट जो है वो बिल्कुल भी कलर जो चेंज नहीं करती, और फ्रिज में काफ़ी महीनों तक स्टोर रह सकती है एयर टाइट कंटेनर में। और मैंने ऐड किया था एक टमाटर भी। और ये देखिए जी, मैं धोने लगी हूँ 2 गिलास चने की दाल। और यकीन करें, पहले मुझे लग रहा था कि मैंने दाल बहुत ज़्यादा बना दी है, लेकिन सब ने चटम कर दी। खैर, नेक्स्ट डे जो है हस्बैंड को मैंने बना के दिया था जी तंदूरी पराठा, और साथ में चने की दाल गोश्त थी। वाह जी वाह, मज़ा आ गया, बहुत मज़ेदार, उन्होंने बहुत ही तारीफ़ की। और यहाँ पर जी डल गए सारे मसाले, और आपको पता है सिंपल से मसाले होते हैं नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, कुटा हुआ सूखा धनिया, और फिर जी बस सबको मिक्स कर लें और अच्छी तरह से भूनेंगे हम इसको। और आपको बताती चलूं कि मैं एक्सपर्ट हूँ चने की दाल गोश्त बनाने में, बहुत ही मज़े का मेरा बनता है चने की दाल गोश्त, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये साथ ही मेरे जो मसालों की जो है फिर से
थाली जो है वो हुई हुई थी खत्म, यानी कि मसाले भरने वाले थे, तो मैंने सारे मसालों की जो है जार्स धोए हैं और इन्हें ऐड किए सारे मसाले। और देख लीजिए रंगारंग, माशाल्लाह, ऐसे ही हसीन रंग होने चाहिए जिंदगी के। अपनों का ख्याल करें, अपनों से प्यार करें। और ये देखिए जी भुनाई हो रही है हमारे गोश्त की, और यकीन माने गोश्त भी बहुत ही मज़ेदार था। और देखिए जी कितना खूबसूरत कलर आया। साथ ही अब हम ऐड कर देंगे अपनी धुली हुई चने की दाल, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर उसके बाद ऐड कर देंगे जिसमें पानी, और फिर रख देंगे चिकलने के लिए। और बहुत ही खूबसूरत, देखें कितना ही खूबसूरत कलर है माशाल्लाह से दाल का। मेरे मुंह में आ रहा है जी पानी। और ये देखिए जी ऐड कर दिया मैंने 3 गिलास पानी, और इसको अब हल्की आंच पर यानी कि मीडियम आंच पर रख देंगे पकने के लिए। तो साथ मैंने बॉईल कर लिए थे चावल, और आपको बताती चलूँ कि ये मीठी टिक्किया जो है, मैं 3rd दिन है तो ये मैं बना रही हूँ दोबारा से, क्योंकि इतनी फरमाइश है और यही वही रेसिपी है। यहाँ पे मैं खैर डबल कर रही थी, तो ये डबल क्वांटिटी में मैंने बनाया है सब कुछ। तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मैं 2 दफ़ा पहले भी लगा चुकी हूँ, 1 दफ़ा मैंने लगाई जी मीठी टिक्कियाँ गुड़ के साथ हैं, और 1 मीठी टिक्कियाँ जो आम पाउडर्ड शुगर के साथ हैं, तो ये भी मैं पाउडर्ड शुगर के साथ बना रही थी। और यकीन मानने के हमारे घर में ये इतनी पसंद की जा रही है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मेरे तो मुँह से खैर नहीं उतरती। और बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ करने के लिए जिन्होंने मेरी रेसिपी ट्राई की है। सना, थैंक यू सो मच, आपने बहुत तारीफ़ की और आपने मेरी रेसिपी के बारे में भी पूछा, और आपने मुझे बहुत सा प्यारा सा फीडबैक दिया। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह। और ये जिन्होंने ट्राई ये रेसिपी नहीं की, जल्दी से जाइए और मेरी मीठी टिक्कियों की रेसिपी देखिए और ट्राई कीजिए, और प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए मुझे, और बताइए कि आपकी मीठी टिक्कियाँ कैसी बनी। मेरी तो बहुत ही मज़े की बनी है कि यकीन करें, 1 दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। और ये साथ ही बातों बातों में हो गई जी हमारी चने की दाल तैयार, और गार्निश किया जी मैंने गरम मसाला और फ्रेश धनिए के साथ, और बन गए जी चावल। ये देखिए जी बहुत ही मज़ेदार हमारा खाना जो है वो हो गया तैयार। साथ ही मैंने बना लिया थोड़ा सा सलाद, मैंने लिया जी टमाटर, प्याज और धनिया, और बीच में डाला था मैंने थोड़ा सा नींबू, वाह जी वाह। और ये सर्व किया था जी मैंने अचार और दही के साथ। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी प्यारी सी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।